क्योंकि एक आदमी जब तवाफ करता है तो तवाफ शुरू करते वक्त कई एक चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, तवाफ शुरू करते वक्त कपड़ा किस तरह से पहना चाहिए, एहराम जो हम पहने वो एहराम किस तरह से पहने। ये जो एहराम ये सिर्फ और सिर्फ जो पहला तवाफ करेंगे जिसको तवाफ कुदूम कहते हैं या उमरे का तवाफ कहते हैं उसमें ऐसा करें। अब मैं इंशाल्लाह करके दिखाता हूं ताकि बात ज्यादा समझे। उम्मीद तौर से जब पहने लाएंगे तो इस तरह से पहनेंगे इस तरह, लेकिन खास जब शुरू करेंगे जो उम्रे का हमारा पहला तवाफ होगा जो हम आमतौर से करेंगे उम्रे का पहला तवाफ उसको तवाफ कुदूम कहते हैं या तवाफ उम्रा कहते हैं, अलग अलग नाम है अलग अलग जो हज की किस्म होती है तवाफ। तो ऐसे नीचे से लाएंगे, ये पीछे से इस तरह से उस हाथ के नीचे करेंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से, तो इसको कहते हैं इत्तिबा। ये सिर्फ और सिर्फ जो उम्रे का तवाफ होगा पहला जो हम लोग कुदूमी तौर से करते हैं उसमें करेंगे, बाकी जो तवाफ होगा उसमें ऐसा नहीं करेंगे, उसमें ऐसे ही रखेंगे जैसे रखते हैं। दूसरी तंबीह, जब नमाज का वक्त होगा तो नमाज के वक्त वाजिब है कि दोनों कांधे पर कपड़ा हो। तो जब नमाज का वक्त हो जाए तवाफ के दरमियान तो हम दोनों कांधे को ढांप लेंगे। अब आइए, हमने तवाफ शुरू किया इस्तेलाम करने के बाद दौरान अब दूसरी
तो हजरत उमर से तुमने उनके साथ कहा नहीं, कहा कि तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उसको ऐसा आया ना, क्यों छूते हो? तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया तो हम और आप भी ऐसा नहीं करेंगे। अब ये हो सकता है हम नमाज पढ़ते करते नमाज का वक्त है जैसे भी आदत का वक्त है, उस सूरत में हम क्या करेंगे? अभी हमारा नमाज मुकम्मल नहीं हुआ। उस सूरत में जहां पर हमें जगह मिले वहां पर नमाज पढ़ेंगे। अब याद रखेंगे कहां पर से हमने तवाफ को खत्म करने की और छोड़ने की नीयत की। मिसाल के तौर पर ये होना है, ये होना है, ये होना है, हम हज यात्रा से चले, यहां से यहां तक आए, आगे आए नमाज का वक्त हुआ, इकामत हो गई, हमने यहां पर तवाफ की नीयत खत्म कर दी। अब हमको ये जगह याद रखनी है, नमाज के बाद यहीं से हम तवाफ की फिर से नीयत शुरू करें, दोबारा पहले चक्कर से नहीं शुरू करें। और अगर शक हो जाए कि हमने यहां से किया था या यहां पर हम थे या यहां पर हम थे, तो जहां पर आपको यकीन है कि वहां से हमने तवाफ छोड़ा है वहां तक तो हमने ये चक्कर किया ही है, हम वहां पर दोबारा वापस कर देंगे और फिर उसके बाद वो चक्कर मुकम्मल करेंगे। अब मुकम्मल करने के बाद दो रकअत नमाज पढ़ेंगे मकाम इब्राहिम के पीछे जहां जगह है, बोलिए आइए काफिरून एक रकअत में पढ़ेंगे और दूसरी रकअत में कुल हुवल्लाहु अहद।